और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर के दौरे पर आए पीएल पुनिया ने राजधानी में आयोजित कई बैठकों और वर्चुअल रैली में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं से मुलाकात की थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुनिया ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर के दौरे पर आए पीएल पुनिया ने राजधानी में आयोजित कई बैठकों और वर्चुअल रैली में भाग लिया था। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं से मुलाकात की थी। और अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, मरवाही उपचुनाव भी है और सभी उसी में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, किस तरह से सत्ता हासिल करें। और अब जो है कोरोना का कहर तो बढ़ ही रहा है, पीएल पुनिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो है वो रायपुर के दो दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने टेस्ट भी करवाया था। टेस्ट के दौरान जो उनका रिपोर्ट आया है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि उनका संक्रमण जो है वो कहाँ पर संक्रमित हुए थे, उन्होंने टेस्ट क्यों करवाया, उनको टेस्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि वो दिल्ली जो थे, दिल्ली से वापस आए थे। दिल्ली से आने के बाद वो यहाँ पर दो दिवसीय सभा में जो है शामिल हुए थे। पीएल पुनिया के द्वारा यहाँ पर किसान सभा सम्मेलन जो है वो भी कल आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री जो है वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है किसान सम्मेलन के तहत वर्चुअल रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान पीएल पुनिया जो है उनके बाजू में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए थे, इसके साथ ही मोहन मरकाम भी उनके साथ थे। तो ये तमाम जो बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है, वो उनके संपर्क में आए थे। शनिवार को सैंपल लिए गए थे, उन्हें क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया था, पर वो क्वारंटाइन नहीं हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी थे, तमाम मंत्री नेता सभी के साथ वो शामिल हुए। जी बिल्कुल, यदि किसी का कोरोना टेस्ट होता है तो उसे क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जाता है। उसे ये कहा जाता है कि जब तक आपकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक आप कहीं मत निकलिएगा। लेकिन ये जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। तो भी प्रदेश प्रभारी जो है वो बेबीलोन होटल में रुके हुए थे, उसके बाद वो जो है कांग्रेस भवन में पहुंचे और कांग्रेस भवन में तमाम मंत्रियों के साथ संपर्क में थे, प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में थे, विधानसभा अध्यक्ष के संपर्क में थे। तो तमाम जो बड़े नेता है उनके संपर्क में थे और उनके पॉजिटिव आने से अब जैसे कि पूरे जो तमाम बड़े मंत्री है उनके बीच में हड़कंप मच गया, क्योंकि ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी अफसरों की जो डिटेल है वो खंगालेगी। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के भी हाथ पांव फूलने वाले हैं, क्योंकि रायपुर में जो फ्लाइट आई है उसमें कितने यात्री सवार थे, उसके बाद जो पीएल पुनिया है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उससे पहले ही वो दिल्ली रवाना हो गए थे। तो दिल्ली रवाना होने के बाद जिस फ्लाइट में वो सवार हुए थे उसमें कितने यात्री सवार थे, उन्होंने किससे मुलाकात की है, कौन से होटल में ठहरे थे, उस होटल में कितने दिन रुके हैं, उस होटल में उनसे कितने लोग मिलने आए थे, उस होटल में भी काफी लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत नेता भी उनसे मिलने के लिए आए थे। इसके साथ ही किसान सम्मेलन सभा में भी काफी लोगों ने उनके साथ जो संपर्क में थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम मंत्री भी उनके साथ संपर्क में थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी नेता जो है वो टेस्ट करवाएंगे या फिर सभी को जो है क्वारंटाइन होने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत निंदनीय है यहाँ पर। सुप्रिया, स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी वहां पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कई सारे मंत्री, नेतागण सभी उनसे मिले थे, हो सकता है कई सारे लोग पॉजिटिव भी हों, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से बात करें, क्योंकि पीएल पुनिया इन दो दिनों में काफी लोगों से मुलाकात की है उन्होंने। इसके साथ ही वो बैठक में शामिल भी हुए थे और बैठक के साथ ही वो किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की है, चरणदास महंत से मुलाकात की है उन्होंने, मंत्री शिव डारिया से उन्होंने अकेले में मुलाकात की है। तो तमाम जो पीएल पुनिया है उन्होंने इन दो दिनों में काफी ज्यादा बैठकें की है। इस दौरान उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, मंत्री सभी जो है
हैं वो उनसे चर्चा किए हैं उन पीएल पुनिया से, और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग डिटेल खंगालने में स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में जो है हाथ पांव इसलिए भी फूल सकते हैं क्योंकि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते हैं, और ऐसे में जो है पता लगाना काफी मुश्किल होगा कि पीएल पुनिया के संपर्क में कितने लोग आए थे, वो कितने लोगों से चर्चा किए थे, होटल में कितने लोगों से मुलाकात किए हैं और कितने लोग उनके संपर्क में आए थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो संपर्क में आने के बावजूद भी आने से बचते हैं, सामने आने से बचते हैं, तो ये तमाम जो बातें हैं वो भी सामने आ रही है। चलिए सुप्रिया, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल प्रदेश में कोरोना के 2688 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई है। कुल संख्या की बात करें तो प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 1235 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल केस 1,40,000 के पार हो चुके हैं, जिसमें से सक्रिय मामले 27,350 से ज्यादा हैं। शनिवार को 713 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य